हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सब लोग भी ठीक ही होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ और आज मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी और शानदार कढ़ी। और कढ़ी की ये देखिए पकौड़ी कितनी सॉफ्ट बनी है ना, ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाली और बहुत ही आसान झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। ना मैंने इसमें प्याज डाला है और ना ही लहसुन, यानी बिना प्याज लहसुन की बहुत ही शानदार कढ़ी आप बना सकते हो। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है बेसन। तो आपको जितने पकौड़े बनाने हो उसी हिसाब से आप अपना बेसन ले लेना। इधर मैंने मसालों में लिया है जीरा, हल्दी, हींग और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा लिया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप आधा स्पून ले लेना। यहाँ स्वाद के अनुसार ले लिया है नमक और इसे मैं पानी डाल करके, यानी रूम टेम्परेचर का वाटर है, पानी है, उसी से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बाउल काफ़ी छोटा ले रखी हूँ तो इसलिए शायद अच्छे से ये मिक्स नहीं हो पा रहा है। और पानी अपना अंदाजे से थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना, नहीं तो ये पकौड़े एकदम ख़राब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने हाथ से बनाना ज़्यादा सही समझा क्योंकि हाथों से जितना अच्छा बन सकता है उतना जो है इसका से नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि बाउल थोड़ा छोटा था। और ये देखिए कुछ इस तरीके से खूब अच्छे से इसे फेंटना है और फेट करके मैंने इसे रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक भगोना लिया है और यहाँ पर मैंने एक कप भर करके बेसन लिया है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं ताकि इसकी गीट ख़त्म हो जाए। तो आप जितना बेसन ले रहे हो ना, बस एक कप अगर आपने लिया है तो उसी कटोरे से ही आप दही या मट्ठा लेना और दही खट्टी वाली लेना। खट्टी वाली दही से ना इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आ जाता है, बहुत ही शानदार बन करके तैयार होती है कढ़ी। तो आप खट्टी दही लेना या फिर मट्ठा लेना और बस इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं ताकि बेसन और दही अच्छे से मिक्स 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 हो जाए। और यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ एक गिलास भर करके, यानी अभी हमें इसको और भी पतला करना है, जितना आपको पतला करना हो उस हिसाब से करना है हमें। तो इसे हम ढक कर के रख देते हैं। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए झटपट से हाथों से भी आप पकौड़े बना सकते हो और चाहे तो आप स्पून से ही बना सकते हो। मैंने तो हाथों से ही बनाया है क्योंकि हाथों से थोड़ा ना फास्ट बन जाता है और आसानी से बन जाता है। तो यहाँ मैंने हाथों से बनाया है और इसे आप जो है स्पून से या फिर जो भी आपके पास वो हो उससे इसे अच्छे से चला लेना कुछ इस तरीके से। ये देखिए कितनी शानदार और फूली फूली सी हो गई हैं, ये देखिए। और फ्लेम मीडियम रखना। एक साइड में मैंने बाउल में ना पानी रखा है, वो भी रूम टेम्परेचर का ही पानी है। तो ये जो पकौड़े हैं ना, इनको तलने के बाद मैं उसी पानी में डाल दूँगी। इससे ना पकौड़े बहुत ही स्पंजी बनते हैं और सॉफ्ट होते हैं। यहाँ और बचे हुए जो बेसन है उसको भी मैं ऐड कर देती हूँ और इनको भी मैं पकौड़े इनके भी बना डालती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये देखिए झटपट से बन करके तैयार हो गए हैं। तो इन्हें हल्का गुलाबी कर लेते हैं। फ्लेम जो है मीडियम ही रखना, हाई मत करना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये देखिए ये बन करके हो गए तैयार। मैंने तेल कम कर लिया है और मैंने इसी कढ़ाई में ही डाल दिया है मेथी, हींग और राई, साथ में हल्दी। हल्दी से ना इसका कलर और अच्छा आ जाता है इसलिए हल्दी ज़रूर ऐड करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे हल्दी पका करके ऐड की है, मतलब ये अच्छे से पक जाती है। उसके बाद जो मैंने तैयार कर रखा था ना कढ़ी, उसको भी इसी में ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। इसमें पानी आप जो है, जैसे अगर ये थिक होता जाएगा ना तो इसमें आप पानी अंदाज से ऐड करते चलना, नहीं अगर आपको पतली कढ़ी पसंद हो तो आप जो है ज़्यादा पानी ऐड करना, अगर आपको गाढ़ी पसंद हो तो इतना ही रखना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये शानदार कढ़ी जो है तैयार हो जा रही है। इसमें हम ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो ये झटपट से और आसानी से बन करके तैयार हो जा रही है, बनाना एकदम आसान है। और ये देखिए झटपट से ये इसको अच्छे से हम मिक्स 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 करते हैं यहाँ पे, और ये जो है बॉयल्ड होना चालू हो गई है अच्छे से। तो इसे हम लगातार चलाएंगे, नहीं तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगी। और अगर आपको इसमें पानी, अगर ये थिक हो जाती है और पानी ऐड करना हो ना, तो आप इसमें गर्म पानी ऐड करना, तब ये जो है अच्छी रहेगी, उसका स्वाद बना रहेगा, मेनटेन रहेगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से बॉयल हो रही है और आप बताना आप लोगों को कढ़ी पसंद है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं जितने यहाँ पे कढ़ी पक करके तैयार हो गई, तो जो मैंने पकौड़े बना रखे थे ना उसे पानी से निकाल करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से पानी से अब निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म जो कढ़ी है ना इसी में इन पकौड़ों को हम ऐड कर दे रहे हैं। सारे पकौड़े ऐड कर दिए। वैसे तो ये पकौड़े अगर आप पानी में ना भिगो ना तो चाय के साथ खाने में भी मज़ेदार होते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। हम लोग तो ऐसे ही खा लेते थे।
और कढ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये बनकर के तैयार हो गई है। तो इधर इस साइड में मैंने तड़का पैन में ऐड कर देती हूँ मैं मेथी, राई और करी पत्ते, साथ में हरी मिर्च, और इसको भी मैं इस पर छौंक लगा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी शानदार बन के तैयार हो गई है। ये देखिए यहाँ हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, मेथी और हींग और राई साथ में इसको मैंने ऐड किया, और इसे अच्छे से हम चला देते हैं कुछ इस तरीके से। साथ मैंने इसके ऊपर बूंदी रायता डाल दिया है। अभी ये गर्म है ना, तो ये जो बूंदी रायता है ना ये बहुत ही शानदार, और ये चटपटी वाली बूंदी है तो इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बन गया ना, कितना आसान है बनाना, आपने देखा ना, झटपट से बन करके तैयार हो गई। तो बूंदी वाला रायता आप ज़रूर ऐड करना, इससे ना जो है इसका स्वाद और भी अच्छा आ जाता है, और ये जो बूंदी पड़ी हुई है ना ये अपने आप फूल जाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।